काल में कोरोना योद्धाओं की भूमिका सराहनीय रही है। अगर वो नहीं होती तो शायद ही हम कोरोना की पहली और दूसरी लहर से लड़ पाती। इन्हीं कोरोना योद्धाओं में से एक है क्रिम्स हॉस्पिटल के सीनियर पल्मोनोलॉजिस्ट, फाउंडर, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर और साथ ही विदर्भ हॉस्पिटल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट डॉक्टर अशोक अर्बट, जिन्होंने बीसीएन न्यूज और नागपुर मेट्रो समाचार के कार्यालय को भेंट दी। कोरोना काल ने इंसान को बहुत कुछ सिखा दिया। खुद का और परिवार का ख्याल रखना, लोगों से दूरी रखना और खास तौर पर अपने परिवार के साथ घर पर वक्त गुजारना। मगर क्या आपको पता है कि इस दौर में कुछ ऐसे भी लोग थे जिन्होंने कोरोना काल में अपने परिवार की चिंता किए बिना सेवा दी है। उन्हें कोरोना योद्धा भी कहा गया है, जो अपने वैद्यकीय कर्मचारी व डॉक्टर से। आज हम आपको एक ऐसे ही डॉक्टर के बारे में बताएंगे। नाम है डॉक्टर अशोक अर्बट, सीनियर पल्मोनोलॉजिस्ट एंड फाउंडर, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ क्रिम्स हॉस्पिटल, साथ ही विदर्भ हॉस्पिटल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी है। ये शहर में बहुत सालों से डॉक्टर की प्रैक्टिस कर रहे हैं। उनकी मेहनत से आज क्रिम्स हॉस्पिटल शहर के सबसे सुरक्षित और विश्वसनीय हॉस्पिटल में से एक है। अर्बट सर ने कोरोना काल में न जाने कितने लोगों की जान बचाई होगी, साथ ही कितने लोगों को इस संकट से बाहर निकाला होगा। ऐसे ही प्रसिद्ध डॉक्टर अर्बट ने बीसीएन न्यूज और नागपुर मेट्रो समाचार के कार्यालय को भेंट दी। कैमरा पर्सन मोनू खान के साथ अभिषेक पांसे, बीसीएन न्यूज नागपुर।